मैं ये भी ताना दिया जाता है कि ये सुन्नी मज़ारों पे सजदा करते हैं, मज़ारात पर हाज़िरी का तरीका क्या है? ये फ़तावा रज़विया शिव की 9वीं जिल्द के अंदर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़ा 522 पे लिखा। आप फरमाते बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहमदू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। फरमाते मज़ारात शरीफा पर हाज़िर होने में पैंती की तरफ से जाए और कम अज़ कम 4 हाथ के फासले पर मवाजा में खड़ा हो और दरमियानी आवाज़ से बाअदब सलाम अर्ज करे और सलाम के बाद दुरूद पाक पढ़े, फिर 3 बार अलहम्द शरीफ, 1 बार आयतल कुर्सी पढ़े, 7 मरतबा सूरह खलास, फिर दुरूद पाक 7 बार, और वक्त फुर्सत दे तो सूरह यासीन और सूरह मुल्क भी पढ़े और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करे कि इलाही इस पढ़ने पर मुझे इतना सवाब दे जो तेरे करम के काबिल है, ना उतना के जो मेरे अमल के काबिल है। अल्लाहु अकबर। उसे मेरी तरफ से इस बंदा मकबूल को नज़र पहुंचा, फिर अपना जो मतलब जायज़ शरी हो उसके लिए दुआ करे और साहिब मज़ार की रूह को अल्लाह ज़वजल की बारगाह में अपना वसीला करार दे, फिर उसी तरह सलाम करके वापस आए, मज़ार को ना हाथ लगाए ना बोसा दे और तवाफ बिल इत्तेफाक न जाए, सजदा हराम। यह है सुन्नियत, यह है रज़वियत, यह है बरेलवियत। जाहिलों का अमल हमारे लिए सनद नहीं, हमारे लिए हमारे बुजुर्गों का लिखना सनद है।